ये एस केविन मशीन है, ये मैं लेदर बैग का काम करता हूँ, इसमें इसको ज़रूरत में लेता हूँ। तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि इस मशीन को चलाने का तरीका। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मेरा नाम अफरोज़ आलम है, मैं इस लाइन में काफ़ी अरसे से है, लेकिन मुझे कुछ एक्सपीरियंस है इस मशीन को चलाने का, मैं आप तक शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, इस मशीन को हम कैसे चलाते हैं। इस मशीन का सबसे पहले बात जो है ये देखिए कि ये जो पत्थर यहाँ दिख रहा है, ये पत्थर ये बिल्कुल ब्लेड से सटा हुआ होना चाहिए। अगर ये सटा रहेगा तो आपका लेदर नहीं कटेगा, अगर थोड़ा सा नीचे रहेगा तो हाथ भी जा सकता है और दूसरा बात लेदर भी कट सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी देख रहे जैसे ये बीच में है, और दूसरी बात अगर ये एक साइड हो जाता तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ बता दिए कि पत्थर कैसे बीच में लाना। इसी तरीके से इसमें ये गेज है, आगे देखिए अगर एक इंची का छिलाई करना है तो ये लगा लिया, अगर नहीं करना तो अपना ऐसे जिसको एक्सपीरियंस है वो ऐसे कर लेता है, बाकी गेज लगा के कर लेता है। और इसमें इस मशीन के बारे और जानकारी दे दे, जैसे कि मेरे पास कुछ लेदर है, देखिए ये मोटा है, मैं छिलाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये मशीन चालू कर दिया, और इस मशीन को चालू करते ही और इसमें अगर सांग लगाना है पत्थर का, तो ये देखो ये इसके ऊपर है, ये इसमें धार लग जाता है, नहीं करना ये कि ज़्यादा नहीं करना है, नहीं इसमें खराब होता है। तो मैंने ये लेदर दिया, ये देखो मैंने छिलके दिखा दिया, और ये पतला हो गया, देखो पहले मोटा था पतला हो गया। तो ये एक ज़रूरत का चीज़ है, मैं इसीलिए शेयर करना चाहते हैं आप तक, इतना एक्सपीरियंस है इस मशीन इस केविन मशीन। इसके मार्केट में कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये है, और जो जुड़े हुए हैं इस लाइन से वो उसको ज़रूरत का चीज़ है, आप इस मशीन को खरीदें, इसका फ़ायदा उठाएं। मैं खुद 15 साल से कर रहा हूँ काम लेदर बैग का, और मैं उसको चलाना सीखा हूँ। तो देख लीजिए आपके पास ये मशीन है, ये सारा सिस्टम है, ये मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक इसी पे था, मैं जो टाइम मिला थोड़ा मैंने वीडियो बनाया आप तक पहुँचाया, और मेरे सपोर्ट करो हमको जो और आगे भी अच्छा वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ।